जोर से डर गए, पढ़न दे। रिव्यू खराब हो गया इसका थोड़ा। अब सारे लिगड़ गए रिंकू की तो। क्या सूट आएगी फिर आज? होगी फिर ठीक। लैटरिंग आकर खड़ी रहो कोई। हाँ जी, राम राम जी सारे ने। और वीडियो देखने तो आप आए गए हो और मना उम्मीद है वीडियो देख कर आपने मजा भी आया होगा, पर उससे पहला आपने वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उस पे अपना प्यारा सा क्लिक करके अपने चैनल सब्सक्राइब कर लो और साथ में घंटी का बटन भी दबा दियो ताकि आगे आने वाली सारी वीडियोज की अपडेट आपने सबसे पहला मिलती रहे और आपका और हमारा साथ आगे नुए बनिया रहे। हाँ जी, राम राम सारे ने और स्वागत है आप सबका अपनी एक और नई वीडियो में। और हालत पतली हो रही है जमा, मतलब जोर कह रहा नू बुरा हाल हो रहा है। मैं तो सारी रात इतना तगड़ा बुखार रहा, 12 बजे ही मैंने मेरा काम नबेड़ दिया था, थोड़ा ही करया कल, बल्कि सारा और जो एडिटिंग पेडिटिंग थी वहाँ फिर ही करा है। ठीक हुई बात तो जितनी भी हुई, रिंकू का भी बुखार है, मेरा भी बुखार है, रात ना को दवाई थी घर ना कुछ था, तो ईब सवेरे उठा पूरा गात पसीना भिज रहा, जुकाम खांसी पूरे हाल है। तो एक टुहाने चल लाँगे दवाई लेकर आवाने, और जो मानू खड़ा भी उन्हें हो जाता, इतनी मतलब एनर्जी कम हो रही है। नहीं मैंने ली तैयार हो ली, तैयार तो गई, बस लिपस्टिक लगाई, बिंदी मेरी वाय पैलड़ी उतरी को नहीं है, और ईब दवाई लेने जावा हाँ जीतना आए को नहीं, इनकी थोड़ी सी ज्यादा तबीयत खराब है मेरे अकॉर्डिंग। मेरा तो मतलब जो खांसी जुकाम हो रहा है बस, अर जुगर खांसी जुकाम में बिना ताप को नहीं आगर जाऊ, बस घना ही ताप चढ़ रहा है, उनको सच में ताप चढ़ रहा है, मतलब खांसी जुकाम तो आएगा ले। रात ने भी जो माता पढ़ने लग रहे थे थोड़े बहुत सोए हो गए, तो उनके लिए वहां दवाई मेरी मैं टेस्ट वगैरह करवा दी उन, क्योंकि मैंने सोया तो बड़ा डर लगा, मैं मेरी नॉर्मल दवाई ले आऊंगी और इनके टेस्ट वगैरह हो गए मेरे हिसाब से। तो रिंकू तो नह ली है, पर मैं नहीं हुआ चल हूँ दवाई लेने चल ढोना, क्योंकि मेरी तबीयत हो ली है बहुत ज्यादा खराब, मेरा नहा जी दवाई लेने जावा मैं। गर्मी लागण लग जे ताऊ और सीधे नु तो कहा उन कर दे क्यों पैर लो, क्योंकि क्या नछरेट से मान दे कोई मारी तो बात घुमा घुमा के कहोगे जर्सी सियाल ना पैर हो चीनी दाल ठीक है, दाल चीनी जो भी है पहुंच लिए टुहाने भी, मैंने पीछे मौसमी का जूस भी पिया था, जब एनर्जी सी लो रही थी, और बस पूरे अस्पताल वाली गली में पहुंच गए। तो इब पर्ची कटाया या और बैठे आ, मारा है 42-43 नंबर और इब चल रहा है 11-12 बज लिए हैं, लगभग 2-1.5 घंटा और लगेगा, और डॉक्टर भी 2:30 बजे तक ही बैठा है, तो फिर हो रहा है। बाकी चेक कर रहा था, मेरा बुखार तो आया को नहीं, ऊ सारा सौदा रुक रहा हूँ, पूरा शरीर रुक रहा, बुरा हाल हो रहा है। और इतना ही आप उरे हाँ जे तो उड़ा चल पड़ा, उरे साइड में ही गैस एजेंसी है, उस पे तो मैं को ले आऊं, रेगुलेटर हाँ खराब हो रहा ताऊ कृष्ण वाला सिलेंडर का। गैस वाली एजेंसी में तो रेगुलेटर पाया कौन था, पर ये उरे लेने जा रही है गैस वाली दुकान है, पता नहीं उरे मिलेगा कि नहीं, और मिल तो गया फाइनली, कई देर लाई वैसे मतलब दिक्कत, रिंकू का भी उल्टी ही पड़ना हो गई थी, तो अस्पताल का लोहे गाडी ला रही है, मर दो जने पूरे गाडी में ही लिट गया अपना, इतना महा करा वेट। हां जी, तो जो इस तक पिछले पार्ट आपने देखे मैं कल के थे, मतलब जो आप कल व्लॉग बनाने लग रहे थे, पर वो आगे कंटिन्यू नहीं कर पाई, क्योंकि उस टाइम ओड़े जब हॉस्पिटल में थे तो मेरा भी ज्यादा दिक्कत होगी, रिंकू का भी ज्यादा होगी, मतलब फिर डॉक्टर ने टेस्ट उस्ट करे, मेरे टेस्ट करे, रिंकू के नहीं करे थे, मेरा बताया मेरे ने की था वो इन्फेक्शन सा हो रहा है, तो मेरे तक भी दवाई दी, दवाई रिंकू ते भी दी एक एक हफ्ता की, तो मैंने दवाई ली आंदे से, फिर मैं सो गया और फिर मेरा तो थोड़ा बहुत आराम हो गया। रिंकू
नया कौन ले थी दवाई आंदे शायद उस टाइम, क्योंकि मैं आए थे 4-4 बजे सी, तो इश्क है ऊँ भी दवाई डॉक्टर ने हल्की देर खेन गए इसमें यह कमजोर रह जाता। तो ये भी इश्क है कि दिक्कत है कि ना तो उल्टी बंद हो रही थी इसकी, रात भी लगी और ये भी रात सारी रात इसका बुखार रहा है मेरा, तो आराम था मैं दवाई ले गया सोया, और ये भीतर में तो है अपना फील जुगर बीमारी में तो उठे ही नहीं सी करा वो वाला फील हो गया जुगर मेरे नूँह है भी उसके कंडीशन में तो थोड़ी सी पतली है अभी। तो इस करके कल फिर वो लोग बनाए वो नहीं, और ना आप कल वो लोग देख पाए क्योंकि एक तो चेहरा पर देख सको आप बीमारी में कितना आप करा, पिछले 4-5 दिन तक लगातार नूए हालत थी लेकिन फिर भी मत करके फिर दे रहे एक जो जमा ही शरीर जवाब दे गया कि उठा ही नहीं जावा था, तो जाकर ने फिर पड़े फिर दवाई ली, तो यह चीज़ें बन गई थी। सारे मौसम बदलता करके हर घर में लगभग बीमारी हो रही है, तो आप भी अपना ख्याल रखो। रोटी बनाने लग रही है और रोटी खावांगे, रिंकू खाने लग रही है, मैं बर्श करना बाकी है, मैं कदे भी बिना बर्श करे बीमार हो चाहे कुछ भी हो बिना बर्श करे रोटी या चाह कुछ भी नहीं पीता सवेरे। अरे यार देखो अरे इतना बुखार रो तो इसका जो सा वो है वा उसमें तो जो ही वो है मतलब बैठा है रिंग है जो भी करे वो तो ठीक है, डरा भी रहनी किस चीज ते यार। अरे इतना ले कई बार होगा नू लै करना उठावेगी डर लग गया बैर तो महा कुछ भी नहीं बोलता, फिर मैंने सुनिया इसकी गड़िया का चिपा की नींद होगी रो रोवन होगा फिर मैंने ध्यान था सुनिया अच्छा कोई गाड़ी उसकी टांग ना कर गया है तो दवाई दुई लावे है उसके तो वो रोता हुआ जाटा में। और इसका वो सिस्टम नहीं कड़ा गया परोठा तो खा लिया वो डब्बा में डर रही होगी मैंने इस टाइम मना कर रखा क्योंकि इसकी रोज वहां तलिया हुआ खाना नहीं है, जो आप बैर का देखो वो तो इसका जड़े जो साफ बंद कर दिया अपने तलिया हुआ स्वाद नून दर के खेले कि मैं वो खेले दवाई ले लिए चल आधा परोठा खा लिया एक रोटी फिर तो आया तो खेले जोड़ से उल्टी पड़न दे रोज परोठे खावा रोज में इसकी कह लियो आज वो थाली दूर खोसी है जूं छोड़ दिया इतना भी वो नहीं होना चाहिए बैर की चीजें बंद कर दी जगह तले हुए मैं यहां चीज नहीं कहता भाई जमा ना खाओ जमा ना करो पर इतनी तो समझदार तो होगी पर बुखार मोर की में स्वाद तो को लगदा नो परोठे स्वाद बुखार से पहला थे 3-4 दिन तो खाने लग गयी 10 दिन तो मन हो गए सवेरे रोटी को रोटी खाई जांदी भी सब्जी खाई गाड़ी हो गए नु चाहिए खाले नून गले खाले मिर्च गले खाले अच्छा सब्जी फिर सब्जी तो जी उतर रहे अभी सब्जी तो जी उतर नून मिर्च दर ले अचार दर ले जी इधर ले अचार कल सवेरे आना रात ने दोपहर ने उल्टियां में पड़ा था नुका नु मिर्च दे हां परोठे कौन पड़ते वैसे ही जोड़े सब तक बड़े है सवेरे कोई हां इतनी सारी चीज उल्टी खानी माटी खानी परोठे खाने हाँ इतना नहीं करता हफ्ता 10 दिन में कहते एक दिन खा लियो असली बात इनकी यह है इनकी सासू बुआ की चल रहा मिली भगत ठीक है वो इसी करे मैं परेठे खा लियो ले बेटा भोजन नो करे अरे इन गल जो लग सकता ही नहीं बरती जाएगी जो लगी ठीक नहीं होगी और ये बस दवाई ली है और कल ना आया होता पूरा दिन नो पड़े रहे था क्योंकि तो ये बना लियो थोड़ी सी एनर्जी तो नहाने तक ही आ जाएगी फ्रेशनेस आई और मेरा कुछ परसेंट फर्क है मतलब रिंकू है होने रिंकू ये मतलब नू खड़ी हो तो चक्कर था वो चीजें तो उसका आराम नहीं हो रहा। एक तो सोच रहा हूँ कि आज फिर दोबारा डॉक्टर के लिए जूं एक सोचूं बाट देखूं
और कल का बनाने से पहला मैंने इसकी कंप्लेन रजिस्टर कराई है। कल का एक चक्कर पड़ गया कि आप बटन दाबा नहीं, मतलब तो लाइट को नहीं दाबा तो भी ओने को नहीं होंगे ना पानी गर्म होंगे ना इसकी बत्ती बुत्ती चसदी। ईब तो लिया था 22-23 तारीख लो 24 ने लिया था सर 24 तारीख ने तो ही लिया था 24 ने 25 ने और ईब यू खराब हो गया इसे तोड़ा हफ्ता मतलब हफ्ता लाया तो हफ्ता तो होया भी को नहीं। तो इसकी कंप्लेन कराई है मैंने रजिस्टर्ड इनका कस्टमर केयर पर ओरिएंट वाला वह तुम्हें कह के देख जाएंगे 24 घंटे 48 घंटे में के कंप्लेन कंप्लून मतलब मीठा टूटा हुआ है नहीं और 4 दिन भी चल गया के यूके तारा गिजर है मां कल पूरी ओखी हो रही मेरे तेरे पता कड़ा का पीछे भी लाया यार 2 दिन नहीं चल गया कबाड़ थी और आ रहा हूं तो आ रहा वर्गी तेरी इसको नहीं फिर वो बात ही फैशन ने नहीं चाहे रहे लोग फैशन हां फैशन है ही ओके कर रहे तो सुविधा खतरा वहां हरे कर रहे तो हां अरे इन सुविधियां सुविधा ना तो आदमी आलसी बनाए दिए नहीं हां भाई आ चीज भी नू या चीज भी नू या चीज भी नू सारी ऐसा मत फलाणी चीज हो दखड़े तू माड़े खा करते ने सही बढ़िया रहा करते आदमी और ये मारा वर्गे पड़े बीमार है हां इस रोज खाट मरवा मैं भी रहूं तो मैं तारा गल यार हूं तो लड्डू आई दुई ली थी रोटी चटनी खाई थी सारे लिगड़ गए रिंकू की तो फिर उल्टी लग गई और ये मैं 1.50 पर नहाने लग गया था पानी गर्म मैंने घेल दिया फिर बीच में मैं इसका वो करने लग गया कंप्लेन करने लग गया और ब्रेन एक काम के था वो लग गया फिर इनको की उल्टी पड़ने लग गई और ये मैंने देखा 2:20 हो रही है और 2:50 बस आनी है उसमें अपना कुछ सामान दे रहा है तो वो चक्कर लेकर आना है मैंने तो मैं ई बिना ही ना इंद्रवाणा बाजू तो एक काम कर ठीक है उल्टी पड़न लग गई नुए ठीक हुए खावे नू नरवेज नहीं ली तूने ऐ का मैं नहीं लूंगा ईब तुर तो फेरा ना डॉक्टर छुट्टी करके आओ शाम वाली बारी में डॉक्टर ने दिखाया वाला ठीक है मर जाए ठीक है नहीं माते ये मैं ना दुकान में ना कुछ दिन नाली सीढ़ा पानी ना आने मतलब आते खुलेंगे गर्म पानी है सीढ़ा नहीं सर तो धोना कोई नहीं यार उन्होंने तो ही मैं पहुंच लिया नरवाणे और बस वाला लोग मेरा फोन करिया तो वो 10-15 मिनट और लगा तो इतना मेरा पार्सल चकने है तो पार्सल चक लियो मैं नैली ई मैं घेर की साइड थोड़ी देर धूप सेक लू धूप में बैठ जू कड़ाके की धूप निकल रही है धूप लेना भी अच्छा है मेरे मुंह आधे मुंह ही देखी सी लिगड़े 2-4-5 दिन पहले मतलब मैंने नहीं फास्ट फूड जिम्मा बंद कर रखा था जुगर अनार होए फ्रूट होए फ्रूट खाऊ हूँ अनार खा लू हूँ फ्रूट में है अनार भी फ्रूट जूस पी लू हूँ यो मिक्स कर रियल यू वाला तेरे रखा कर दी और यकीन कौन करो अब मेरा 2 किलो वजन बढ़ गया था मतलब 51 था 52 होया 53 होया और 50 था 51 होया वो तो चलो कई दिन का हो रहा था 51 तो फिर 2 किलो पर कैल दवाई लेके आई नहीं उल्टा ही फिर 51 पे आएगा क्योंकि इतने दिन तो तबीयत खराब चल रही है उल्टी ठंड के कारण उल्टी लागन लग गई कुछ भी कह लो नहीं जब उल्टी आ जाए तो आज स्पेशल उल्टिया की दवाई लेके आऊँ मैं नैली ई मैं घेर की साइड थोड़ी देर धूप सेक लू धूप में बैठ जू कड़ाके की धूप निकल रही है धूप लेना भी अच्छा है मेरे मुंह आधे मुंह ही देखी सी लिगड़े 2-4-5 दिन पहले मतलब मैंने नहीं फास्ट फूड जिम्मा बंद कर रखा था जुगर अनार होए फ्रूट खाऊ हूँ अनार खा लू हूँ फ्रूट में है अनार भी फ्रूट जूस पी लू हूँ यो मिक्स कर रियल यू वाला तेरे रखा कर दी और यकीन कौन करो अब मेरा 2 किलो वजन बढ़ गया था मतलब 51 था 52 होया 53 होया और 50 था 51 होया वो तो चलो कई दिन का हो रहा था 51 तो फिर 2 किलो पर कैल दवाई लेके आई नहीं उल्टा ही फिर 51 पे आएगा क्योंकि इतने दिन तो तबीयत खराब चल रही है उल्टी ठंड के कारण उल्टी लागन लग गई कुछ भी कह लो नहीं जब उल्टी आ जाए तो आज स्पेशल उल्टिया की दवाई लेके आऊँ कल डॉक्टर भी बोला कि ठंड का कारण है अगर इन वो नहीं हुआ नहीं आराम तो फिर मैं स्पेशल उल्टिया की दे दूंगा तो आज ले आऊँ मैं मेरा नू हो रहा है बस जमा अजीब सा हो जाए सब कुछ कहते तो जो अपने पार्सल थे मैं वह भी उठा लिया हूँ पीछे रखे हुए सारे और जो बस में सामान आना था वो भी लिया हूँ सामान तो हमने दिखे गया वो किस कारिंग को एक आया है और के आया वो भी तो हमने बे रहे है तो ईब टाइम हो गया है 3:30 मैं घर जाऊं पहला नहाऊंगा इतने 4:30 हो जाए हाँ 4 बजे एक ऑनलाइन मीटिंग है मेरी 4 से 4:30 लग ईब कितना टाइम चलेगी नू बेरा को नहीं मैंने तो
चार बजे मैं मीटिंग में बैठूंगा, इतने टाइम रहा जो जाकर नह लूंगा, नहीं रहा जो बस फिर मीटिंग करके फिर ही नहाऊंगा, फिर आप ढुआना चल आए क्योंकि रिंकू की उल्टियां और उसकी तबीयत में सुधार को नहीं। तो पहुंच ही लिया घर, हरी बिश का मंदिर, थोड़ा आराम हो रहा होगा नी, सही है, विटामिन डी लेगा, एनर्जी आएगी भी। तैर ली पारस कहूँ सारा समान, ये कुछ कह लगे पड़े हैं अपने पास सारे, अगर कसमान आयर के वो अपने एक अलग ही वीडियो बनेगी, नहीं खोल के दिखावांगे, लेके दिखावांगे खड़े कुकर लग गया। हुण टाइम हो गया नहाने का, तो कौन लगता मीटिंग है वो मैं बताऊंगा जो, पर उससे पहला दोपहर वाली दवाई लेनी पड़ेगी तो लेनी दवाई ले ली दोपहर वाली, फिर देख लिए सूट तो नया सूट है, रंग दिखाई जी मैं धरती पे कह सूट है फिर आज होगी फिर ठीक मिल गई दवाई दिया दिख जो साढ़े चार बजे मेरी मीटिंग खत्म हुई थी और मैं नह भी लिया हूं, चार बज गए 40-43 मिनट हो रही है, तो ईव चल लांगे आप ढुआने क्योंकि 5 बजे डॉक्टर बैठे गए, तो ईव शाम वाली वो जो वो है उनकी, तो ईव रिंकू की दवाई ले आवांगे एक बार फिर चेक करावा कि उल्टी क्यों लग गई, कि उल्टी नहीं बंद हो रही। तो ये बैठ लिया मैं गाड़ी में, रिंकू भी आ गई है, चल आप ढुआने। रिंकू तेरला फोन ले आई, आ जा फिर मैं कौन लिया था, तो ले आवा रिंकू की दवाई चेक करा लिया, मतलब डॉक्टर पर दवाई तो कल आप ले आए थे। चल कैसा फील कर रहे हैं अभी आप? सही की सर, चलो पांच बज के हो रहे, फिर सुबह पांच बजे बैठे डॉक्टर, इतना पहुंच जाए पास सही टाइम पे। तो ये पूरा फाटक बंद है, रिंकू फाटक बंद का फायदा उठाओगे के? ए, ओ देख गुड़िया के बाल पड़े हैं पर देख ले, पर उस पे कुत्ता पैर टेक गया, उसने सूं गया, कोई सूं गया फिर मतलब पैकेट में की दिक्कत है। अरे चकले पैकेट में की दिक्कत है ना, मेरा जी कौन करता है खाने, बताओ फिर भीतर थोड़ी कि मिल गया ले आऊं तक किसी बस बूस में डे होंगे मल्ला के। तो ईब ले ली है अपन दवाई, बस डॉक्टर ने कुछ चेंज को नहीं करया, एक तो बुखार वाली थी जो इसके ईब भी बुखार था चेक करया था, एक तो जो इसकी बुखार वाली है वह चेंज करके दी है दूसरी टेबलेट, और एक उल्टियां की दवाई और ऐड कर दी है, बाकी का कोई चक्कर को नहीं है, ठीक हो जाएगी, नॉर्मल वायरल सा चल रहा है, सभी का हो रहा है, तो हो जाएगी ठीक होगा धीरे धीरे। और ये पहुंच लिए हैं आप घर, चौकी चलन लग रही है, न्यू बेरा नहीं माँ चल रही है, कौन चल रहा है पानी गर्म कर, क्योंकि दवाई लेनी है मन्ने भी और रिंकू ते भी देवांगे, उसका बुखार उतरे को नहीं, वह ईबी है खिचड़ी खाई, क्योंकि दवाई उस टाइम सिर्फ उल्टियां ही ली थी उसने, हालांकि एक बार फिर घर आए बादशाह उल्टी लैग ली उसकी, आराम को नहीं हुआ था, पर नुआ दवाई ले तो डॉक्टर कहता है वायरल सा आई हो जाएगी एक दो दिन में ठीक, तो फिर आप बढ़िया तरीके का ब्लॉगों में वापसी करा, इस करके ही ब्लॉग आया भी बंदा। चलो जी मरीज जी चको खाओ गोलियां, रिंकू भी 3-4 गोलियां इसकी, और मेरी भी 3 ही है शाम की, इसकी पीने की अलग है फिर मेरी अलग है, इसकी तो है कफ रेमेडी, कई दिन में संभाल्या तम रही जाओ, फिर रिंकू दा सही महा मैंने तुम देख जे हूं तम बिक जे जो शाम इधर रह रहा है ठीक है, देखने कुत्ते पाड़ा भाई ना हूं देख कर बोलता है ओए बे जब तो हमने गोल कोन करी आदमी बेचारा है, काम करता आदमी माड़ा को नहीं होता, हिम्मत हमने भी बतेरी करी महाराज का कोने, हफ्ता 10 दिन हो गया कि थोड़ा 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 लेंदे तो पिए जाते शायद पी लेंगे, कोई किमें कर लेंगे कोई किमें कर लेंगे, मैं गोलिया को मैं जुकाम तो पक के ना
और फिर जाओगा कई दिन में जाओगा कर लियो कर लियो गोली चीप चीपिंग के कई बार नो बोलियो जंदा पानी तो बिक जाए और गोली चीप गया जा फिर कड़वा मुंह है एक बार मुंह में ले गए और नो कर लियो गोली बीच में ऐसा पानी के फिर जा सबका अलग अलग तरीका है तो फिर क्या करेगा गोली इधर ही भीतर ना गोली इधर का घंटी लगे ओड़ दर्द सीधा फिर पानी करके नू पी जो मेरे को लाई जा अलावे बड़ी को ले जाती मेरे तो अड़ जे है बड़ी दो करके लियो मैं तो अर्जू करिए उल्टी आली है नी ये तो इसी मजी पदर दे पिंगल जे है इतना नू करूर नू अलांग नी इतना उसका पानी हो जी है ये उसकी हुआ नहीं और डाल की हुआ है गुलकोंडे टाइप की स्मेल से याद रही मैं भाई डॉक्टर ने जमान डॉक्टर ने बताई के दो दो चम्मच लेनी है और यार इतनी रहेगी मेरा खींच गया इतनी दिया भरी मतलब आया खांसी क्यों गया हाँ महाले नुए घूंट मैं दूर पानी पी रहे नुगर के गेड़ दी सरुओं में गई है इतनी फिर टिके ही है खांसी में तो रिंकू का ज्यादा आ रहा है पहले इनका ज्यादा आ रहा था मेरा आज ओ या है कल हाँ मुंह लकड़ रही है धनवा की जमा मेरा तो अरे नरे कमेंट आने लग रहे हैं सिसाला परिवार भी मारा कई दिन उठा था सब को रहा था जमा तो बस ये था महाराज का लोग कमेंट कर दिया बीमारी तो रिलेटेड था क्योंकि कुछ करना था को नहीं और कल परसों हमने उसे करके वो लोग कौन बनाया क्योंकि हमारी तबीयत ठीक कौन थी फिर के दिखावा खाटे में पड़े हैं उल्टी लग गए बुरा हाल जमा कुआ किमे कुआ किमे बस की सलाह आज का लोग लाइक कर दियो कमेंट कर दियो शेयर कर दियो लाइक कर दियो नहीं हो तो चैनल पर सब्सक्राइब कर दिया करो भाई बेबे।